तो आपके पास ये मेल आया है, आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसका क्या मतलब है? और जब से ये मेल आया है आपके शॉर्ट्स वीडियो पे व्यूज ही नहीं आ रहा होगा। जैसे ही अपलोड कर रहे होंगे, पब्लिक कर रहे होंगे, तो 3 व्यू 4 व्यू 5 व्यू 10 व्यू, अब उसको से मुश्किल 50 व्यू जा रहा होगा, उसके बाद से रुक जा रहा होगा और आपका वीडियो रीच नहीं आ रहा होगा, आपका वीडियो वायरल नहीं हो रहा होगा। जैसे पहले व्यू जाता था वैसे नहीं आ रहा होगा। तो इसका भी सोल्यूशन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि ये मेल क्यों किया है आपको यूट्यूब और इस मेल का क्या मतलब है। तो आपको मेल में दिखाई दे रहा होगा यूट्यूब एड्स शॉर्ट मीन म्यूटेज एंड मार्केट ऑन लिस्टेड। तो इसका सबसे पहले मतलब बता दूँ, देखिए अगर आप इस तरीके से शॉर्ट्स बनाते हैं तो ही जाकर प्रॉब्लम आपको आया होगा। तो आप क्या करते हैं, डायरेक्टली यूट्यूब में जाते हैं शॉर्ट्स बनाने के लिए। यूट्यूब में जाते हैं, यूट्यूब जाने के बाद प्लस पर क्लिक करते हैं, प्लस पर क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली शॉर्ट्स पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ऊपर म्यूजिक ऐड करते हैं, यहाँ पर किसी का सॉन्ग लगाते हैं या किसी का फोनिक डायलॉग लगाते हैं, यानी कि यहाँ से कोई भी म्यूजिक यहाँ से आप अपना सेलेक्ट करते हैं, उस पर शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं और उसको अपने चैनल पर अपलोड कर देते हैं डायरेक्टली। करते हैं ना, ऐसे करते होंगे तो ही ये प्रॉब्लम आया है, करते हैं ना, तो बताइएगा जरूर। तो चलिए मैं मेल में ले चलता हूँ और लाइव आपको दिखा रहा हूँ कि इसका क्या करना है और कैसे आपके जो व्यूज नहीं आ रहे हैं वो आपको सॉल्व होगा। तो चलिए मैं मेल में ले चलता हूँ, आपको लाइव दिखा रहा हूँ। आपको इस मेल पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करना है तो यहाँ पर लिखा करके आ रहा होगा यू यूट्यूब शॉर्ट्स हैव बीन म्यूटेड एंड मार्केट शेयर चैनल लिस्टेड। तो इसका मतलब क्या है, मैं लाइव दिखाने वाला हूँ। तो देखिए जैसे मैंने बताया पहले वीडियो में कि आप डायरेक्ट यूट्यूब से शॉर्ट्स बनाते हैं तो उस हालात में ही ये मेल आया होगा आपके पास, ठीक है। अगर वैसे मेल नए उससे वीडियो नए शॉर्ट्स वीडियो अपना नहीं बनाएंगे तो ये मेल कभी भी नहीं आएगा। तो देखिए वो मेल आया क्यों है, मेल सबसे पहले आया कि वह उस तरीके से शॉर्ट बनाते हैं जैसे कि डायरेक्ट यूट्यूब में जाते हैं, शॉर्ट्स पे क्लिक करते हैं, वहाँ से किसी का म्यूजिक ऐड करते हैं और अपना शॉर्ट्स वीडियो बनाकर डायरेक्टली यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। तो उस हालात में क्या होगा, अगर जो वीडियो में जो आपने म्यूजिक लगाया है अपने शॉर्ट्स वीडियो में, जो म्यूजिक वहाँ से डायरेक्टली यूट्यूब से लगाया है, उस चैनल वाला जो जिसका चैनल से वो म्यूजिक आप यूज किए हैं वो डिलीट कर देता है, उस हालात में क्या होगा, आपके जो शॉर्ट्स वीडियो होंगे यहाँ पे दिखाई देगा बीन म्यूट कर दिया जाएगा, उसका जो म्यूजिक होगा म्यूट कर दिया जाएगा और उसको मार्केट कर दिया जाएगा ऑन लिस्टेड पे, ठीक है। तो आप अभी YT स्टूडियो पे चल के देखेंगे तो वो ऑन लिस्टेड होगा जिस वीडियो से आया होगा, तो वो भी मैं दिखाऊंगा आगे। तो जिस वीडियो में आया होगा म्यूट होगा और ऑन लिस्टेड कर दिया गया होगा, आपको 30 दिन के बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा डिलीट कर दिया जाएगा यूट्यूब के तरफ से। यहाँ पर लाइव दिखाई दे रहा होगा यूट्यूब स्टूडियो बिफोर 18, जो मेरा यहाँ पर डेट लिख रहा है कब डिलीट होगा, ठीक है, 30 दिन बाद डिलीट कर दिया जाएगा। मैंने आया है तो यहाँ पर 18 मार्च को डिलीट कर दिया जाएगा। तो आपको मन में ख्याल होगा कि ऑल वीडियो डिलीट नहीं कर दिया जाएगा, तो जी नहीं, जिस वीडियो पे आया होगा वही डिलीट किया जाएगा, जिस वीडियो पे आया होगा। वीडियो भी चेक कर सकते हैं, वो लिस्टेड होगा तो चलिए पहले वो भी चेक करके आपको दिखाने वाला होती है, तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आप शॉर्ट्स बनाना है तो आपको कैसे बनाना है, आपको जो वीडियो पसंद आता है उसे डाउनलोड कर लेना है, अच्छे खासे उसे कैमरे से रिकॉर्ड करके एडिट करके तब डालेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, मगर डायरेक्ट यूट्यूब से जाकर बनाएंगे तो ये प्रॉब्लम आ ही जाता है, ठीक है। तो आपको निश्चिंत रहना है, इस मेल से आपके चैनल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, आपके चैनल पर कोई भी डिफेक्ट नहीं होगा। तो बहुत सारे बंदे का ख्याल है कि मेरे चैनल पर कुछ तो होगा, तो नहीं, तो इस मेल से आपके चैनल में कुछ नहीं होता है, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो देखिए आपको सबसे पहले YT स्टूडियो में चल के मैं व्यूज नहीं आ रहा है उसका भी कारण मैं बता दूं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इतना समझ में आ गया होगा, चलिए YT स्टूडियो में मैं अब लेकर चलता हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपको YT स्टूडियो में आने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कंटेंट का, आपको कंटेंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा वीडियो, यानी कि लॉन्ग वीडियो, यहाँ पर शॉर्ट्स वीडियो, शॉर्ट्स वीडियो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ढूंढने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर शॉर्ट्स बाइक का ऑप्शन आएगा, विजिबिलिटी का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके पास यहाँ पर आएगा ऑन लिस्टेड का, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले अप्लाई करना होगा, यहाँ पर अप्लाई ऑन लिस्टेड करके अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस मेल पे जो मेल आया था इसी वीडियो पे आया है, यहाँ पर ऑन लिस्टेड कर दिया गया है यूट्यूब की तरफ से। तो आपको सबसे पहले इसको क्लिक करना है इसी पे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेन का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप चाहते हैं कि इसको पब्लिक कर दें तो पब्लिक नहीं होगा, अगर आप इसे पब्लिक करना चाहेंगे तो भी ऑटोमेटिकली अनलिस्टेड पे कर देगा यूट्यूब, तो इसको आपको पब्लिक नहीं करना है। अगर आप इसे शूट करना चाहते हैं कि आपके चैनल पे व्यू जाने लगेगा, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको 3 डॉट पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ डिलीट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे। आपके भी जितने वीडियो पाए होंगे सेम तरीके से आपको डिलीट कर देना है, डिलीट कर देंगे तो देखिए यहाँ पे ऑनलिस्टेड पे कोई भी वीडियो यहाँ पे नहीं है, तो वीडियो डिलीट हो जाएगा। उसके अगले दिन से ही देखेंगे कि आपके जो शॉर्ट्स वीडियो जो भी अपलोड करेंगे उस पर रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा और व्यूज आना भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आपको जिस वीडियो पे आया है आपको अप्लाई करके देख लेना है, जो ऑनलिस्टेड होगा उसे डिलीट कर देना है अपने हाथ से, अगले दिन से ही व्यूज आना शुरू, एक बार इस ट्रिक का फॉलो करके देखिए आपका प्रॉब्लम जो है 100% सॉल्व हो जाएगा। और कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।